पिनोचियो का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड काइंड पेंटर बॉट अ वेरी क्यूर पीस ऑफ वुड, यानी कि एक समय की बात है, एक बूढ़ा कारपेंटर एक विचित्र प्रकार के लकड़ी के टुकड़े को खरीद कर लाया। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट ही हियर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस, यानी कि जब वह उस लकड़ी के टुकड़े को क्या कर रहा था, समतल कर रहा था, तो उसने एक हंसने की आवाज को सुना। स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी, रुक जाओ तुम मुझे गुदगुदी पड़ा रहे हो। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस, यानी कि वह बूढ़ा आदमी उसके आवाज को सुनकर वो अचंभित रह गया। ही सेड दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, उसने अपने आप से कहा ये लकड़ी का विचित्र सा टुकड़ा है। व्हाट शैल आई डू विथ इट, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। आई थिंक आई विल मेक इट इंटू अ पपेट, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्यों ना एक गुड़िया बना दूँ, यानी कि गुड्डा बना दूँ। ही सेड टू वर्क एज सी द पपेट वाय टुक शेप, यानी कि वह उसको बनाने के काम पर लग गया और जो पपेट बॉय है ना वो धीरे धीरे अपना आकार लेने लगा। द ओल्ड मैन सेड, अब बूढ़ा आदमी उसको देख कर बोलता है ही मस्ट हैव अ नेम, इसका एक नाम होना चाहिए। I will call him Pinocchio, मैं इसको Pinocchio पुकारूंगा। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move, यानी कि जैसे ही वह उसके आँख को बनाकर उसने तैयार किया तो वह देखता है कि वह अब घूम रहा है। Before the mouth was made, it began to laugh, यानी कि उसके मुंह बनने से पहले ही वह हंसना शुरू कर देता है। Stop laughing, द ओल्ड मैन सेड, यानी कि हंसना बंद करो, उस बूढ़े आदमी ने उससे बोला। इट डिड स्टॉप बट एज सून एज हिज बैक वाज टर्न, यानी कि वह क्या किया, वह हंसना छोड़ दिया, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा इट पुट आउट हिज टंग्स, वह अपने जीभ निकाल कर उसको क्या करने लगा, दिखाने लगा। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और उसका जो नाक है ना वो लंबा होने लगा है, यानी कि उसका नाक लंबा होने लगा। नो सूनर वेयर इट्स हैंड रेडी देन इट स्नैच ऑफ द कारपेंटर विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, यानी कि जैसे ही उसका हाथ बनकर तैयार हुआ वह उस कारपेंटर के विग यानी केस, नकली केस को नोच लिया और अपने सर पर लगा लिया। एंड देन Pinocchio नोज ग्रू लॉन्गर, और उसके बाद उसका नोक, उसका जो नाक था वह लंबा होने लगा। When its leg and feet were made, जब इसके पैर और उसके पंजे बनकर तैयार हुए, they will too stiff to use, वह उसके इस्तेमाल करने में उसको कठिनाई आ रही थी। So the carpenter showed Pinocchio how to use them, इसलिए उस कारपेंटर ने उसको इसका इस्तेमाल, अपने पैर का इस्तेमाल करना उसको सिखाया। Now the carpenter decided to send Pinocchio to school. अब वो कारपेंटर उसको स्कूल भेजने का फैसला किया। But there, लेकिन वहाँ पर Pinocchio did nothing but look for fun. स्कूल जाकर Pinocchio कुछ नहीं किया, केवल वह मजा ही किया। He often ran away from school. वह प्रायः स्कूल से भाग आता था। Why don't you गो टू स्कूल, अब वो बूढ़ा कारपेंटर बोलता है कि तुम अब स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। आस्क द कारपेंटर, वो उससे पूछता है। Pinocchio टोल्ड हिम ए लाई, Pinocchio उससे झूठ बोल देता है। एंड हिज नोज स्टार्ट ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, जब वो झूठ बोलता है तो उसका नाक लंबा होते हुए चला जाता है। इस टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टेल ए लाई, यानी कि जब कभी वह दूसरे से परेशान होता है और या झूठ बोलता है तो उसका नाक लंबा होने लगता है। फाइनली Pinocchio सेड, अंत में Pinocchio बोलता है आई एम ग्लैड टू बी ए रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन, यानी कि मैं यह जानकर क्या हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, वास्तविक लड़का हूँ, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये कहानी Pinocchio से लिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के तब तक बाय बाय।